सो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में एक नया सीन चल रहा है यार, फ्री फायर मार्केट जानते हो यार, बैज 99 वर्सेस बॉस आयुषियार या यस क्या नाम है, जो भी है यार। खैर छोड़ो अपने को, क्या यार उस कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे बंदे ध्यान से सुनना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ना ही आपको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही बैज 99 को, ना ही बॉस यस को। तो यार सिंपल बात है, बस वीडियो को कंप्लीट देख लो, आप लोगों को ये फैक्ट पता चल जाने वाला है यार, कंट्रोवर्सी से जो है किसका घाटा होता है और किसका फायदा होता है, ठीक है भाई। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलो यार, फैक्ट नंबर वन, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, ये सबसे ज्यादा जनता के बीच में हाइप करने के लिए क्रिएट किया जाता है यार। और आप लोग जानते हो फ्री फायर की ऑडियंस कैसी है यार, अगर बैज 99 के वीडियोज कोई देखते हैं तो वो जाके वहां पे डिसलाइक मारेंगे, और कोई उसके वीडियोज देखते हैं तो वो यहां पे डिसलाइक मारेंगे यार। तो जानते हैं आप ही लोग कि यार ऐसे हाइप क्रिएट करके कैसे सब्सक्राइबर्स गेन किए जाते हैं यार। तो ये जो है अभी यार 5 महीने पुराना बात इसलिए उठा यार, ताकि वीआर गेमर्स वाई जो है एक हाइप क्रिएट कर सके अपने बीच में, और बैज 99 वाई ने भी कुछ गलतियां क्यों होगी यार, तो उस सब के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं अपने पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि वीआर गेमर्स वाई बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 लाख रुपीज दिए थे वो भी प्रमोशन कराने के लिए, भाई तो 2 लाख रुपीज उन्होंने क्यों दिए यार। 2 लाख रुपीज में आपका अच्छा खासा गूगल एड से इतने सारे, कम से कम 2 लाख रुपीज में आपका 50K से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है यार, बट उन्होंने क्यों दिए 2 लाख रुपीज यार, ये तो सबसे बड़ी गलती थी यार, कि उन्होंने 2 लाख रुपीज नहीं देने चाहिए थे, उससे अच्छा गूगल एड से प्रमोट कराना चाहिए था यार, वो उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन बेटर था यार। और उन्होंने दिए तो उन्होंने तभी से लेकर के अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग सेव करके रखे थे, वो भी एक अच्छी बात है, पर्सनली सेव करना चाहिए अगर आप कोई कुछ भी करते हो यार तो। बट यहाँ पे बात ये है कि भाई किसी पे कीचड़ उछालना सही नहीं है यार, मैं जो बोल रहा हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर पाने के लिए किसी पे कीचड़ उछाले जा रहे हो तो ये सही नहीं है यार, इस तरह से सब्सक्राइबर पाना सही नहीं है। तो आप लोग जो है अपना टाइम मत वेस्ट करो इन सब में, ठीक है भाई। आप लोग जाओगे एक एक स्ट्रीमर्स के जो भी वीडियोज़ हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हो अभी जाके, तो आप लोगों को पहले बता दूं भाई, इसने पैसे दिए थे, इसका जो सीन था कि इसने पैसे दिए थे और बैज भाई ने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया था, तो फिर इन लोगों के बीच में जो है थोड़ा कहा सुनी हो गई थी। उसके बाद जो है बैज भाई ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए थे, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी यार। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया यार, अभी 4 महीने के बाद जब इसके सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए हैं, अच्छी खासी इसके पास ऑडियंस हो गई है, तो इसने क्या किया, अभी 1 मिलियन शायद इसका रीच करने का सपना है या क्या है मुझे नहीं पता इस बंदे का यार, बट मैं देख पा रहा हूँ कि आखिर इतने बंदे से ये चुप क्यों था यार। ऐसी तो कोई नहीं भाई, बैज 99 पे उंगली उठाते ही इसे खा जाने वाला था यार, अगर इसे बात उठानी थी तो उसी टाइम पे उठाने चाहिए थे यार, इतना लेट से बंदा उठा रहा है, इससे क्या सिंपल लॉजिक निकलता है कि ये बंदा हाइप क्रिएट करके सब्सक्राइबर गेन करना चाहता भाई। 5 लाख तेरे हैं यार, तू गिव अवे करता है, सबसे बड़ा बात तो यार गिव अवे ने फ्री फायर को पागल बना के रख दिया, ठीक है। गिव अवे यार, गेम प्ले को बंदे लोगों ने सपोर्ट करना तो यूट्यूब पे छोड़ दिया यार, सारे बंदे गिव अवे यार, गिव अवे अगर थंबनेल पे ना लगाओ ना तो लाइव पे बंदे ही नहीं आते यार, बट गिव अवे करो यार, जैसे ही आपके सब्सक्राइबर थोड़े रीच हो जाते हैं तो करो यार, मतलब माइलस्टोन रखोगे इतने पे करने वाले, ठीक है, मतलब डेली बुलाओ यार लाइव स्ट्रीम पे, बंदे लोगों को गेम प्ले छोड़ के गिव अवे का आदत, टॉपअप का आदत दिलाए जाने यूट्यूबर, जो कि फ्री फायर कम्युनिटी के लिए सबसे गंदा है यार। फ्री फायर कम्युनिटी में लोग गेम प्ले को सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार, गेम प्ले को सपोर्ट करने वाले बंदे को रीच ही नहीं मिलता, जो भी लोग गेम प्ले को सपोर्ट करते हैं उनको रीच ही नहीं मिलता यार। तो बस आप ही लोगों से उम्मीद है यार, वीडियो को शेयर करो इसको, ठीक है, और आप सारे लोग गेम प्ले को जो है सपोर्ट करना स्टार्ट करो। चलो अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। देखो गाइस, वीडियो बनाने का पूरा पॉइंट यही निकलता है यार, देखो आप लोगों को इंटरटेन होना है, सही है भाई, जो भी बंदा आप लोगों को इंटरटेन करता है, गिव अवे देता है, उसके पास जाओ, अपना गिव अवे लो, अपना टाइम पास करो, इंटरटेनमेंट फुल लो यार, यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही है भाई लोग, तो आप लोग अपना टाइम पास करो यार, बट फालतू के कंट्रोवर्सी में जाके इसको डिसलाइक करो, उसको लाइक करो, उसको सपोर्ट करो, इसको ये करो वो करो, ये सब काम है बंद कर दो यार, ये 9 साल की ऑडियंस वाली काम है आप लोग कब बंद करोगे ये बताओ पहले मेरे को यार। तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं सारे इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यार आप लोग मतलब ये जो 9 साल वाली ऑडियंस वाली काम है वो लोग बंद करवा दो यार, ठीक है भाई लोग। तो होप कर रहा हूँ आप लोगों से कि सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो पे और आप लोग ये जो बच्चों वाली काम है बंद कर देंगे, और कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनो यार, मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनो, वो यूट्यूबर को प्रॉब्लम है वो उसको खुद सॉल्व करने दो यार, आप लोग कंट्रोवर्सी के बीच में मत घुसो, ठीक है भाई लोग, आपका कुछ नहीं जाने वाला टाइम के अलावा यार, वही आप टाइम किसी और चीज़ में दे दोगे जो उसके 20 मिनट्स के फालतू के कंट्रोवर्सी के वीडियो में टाइम वेस्ट करोगे। कंट्रोवर्सी में क्या रहता है, ना इंटरटेनमेंट रहता है ना टाइम पास रहता है, ये बंदा उस पर कीचड़ उछालेगा, वो बंदा इस पर, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कंट्रोवर्सी का वीडियो का जो है कोई
रीजन ही नहीं है अपलोड करने का, लेकिन बंदे फिर भी अपलोड करते हैं ना कि भाई तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे पास इतना सारा प्रूफ है, जाके कोर्ट में केस कर यार, कोर्ट से तू इजीली ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फायर पे वीडियो बना के कीचड़ उछालने का क्या मतलब बनता है भाई, तेरे पास प्रूफ है, तू जाके जो करना है अपना रियल जो लीगली है वो काम कर, ठीक है। तो ऐसे फालतू के यार बंदों को जो है बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे यार, गाली तो मैं नहीं देना चाहता यार, बस अंदर से बहुत सारी आ रही है। तो बस यार आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। सारे बंदे बस सपोर्ट कर देना इस वीडियो पे, और ये कंट्रोवर्सी वाला कचड़े को जो है जितना जल्दी उखाड़ के फेंक सकते हो यार, सारे बंदे फेंक दो, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं लाइव पे कल को, ठीक है, बाय।